श्री संगमणि वसुना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। नायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की चीन देश की राजकुमारी। विश्व में वो एकमात्र स्त्री है जिसे 16 विद्याओं की जानकारी है महाराज। यदि वो आपसे विवाह कर ले हम कल ही अर्धरात्रि में चीन के लिए प्रस्थान करें। बीच चौक में सबके सामने इसके हाथ काट दिए जाएं। बोल क्या बात है। निवेदन यह है कि महल के पास उद्यान में जो तालाब है और वहां स्थित जो शिव मंदिर है, मैं संध्या के समय वहां स्नान और अभिषेक करना चाहता हूं स्वामी। ओ, वो तो राजकुमारी का महल है। स्वामिनी, वह व्यक्ति विक्रमादित्य है। वह अवंतिकापुरी से संपूर्ण भारतवर्ष पर शासन करने वाला सम्राट। वह इस समय एक तेली के घर रुका हुआ है। आपके पिता के दंड स्वरूप उसके दोनों हाथ कट चुके हैं, अथवा यह दीपक राग वो आपको ही प्रभावित करने के लिए गा रहा है स्वामिनी। धन्यवाद ब्राह्मणी का। हमारा एक और कार्य करो, अभी जाओ और विक्रमादित्य को उनके हाथ पुनः लौटा दो। जो आज्ञा स्वामिनी। सिमली, सिमली। आज्ञा राजकुमारी जी। पिता महाराज से कहो हम विवाह करना चाहते हैं। राजकुमारी के राज में विक्रम आयो जान, बोलो महाकाल की जय। राजकुमारी के राज में विक्रम आयो जान, राजकुमारी प्रसन्न हुई ये सुन के सब कुछ जान। यो आदेश राज में उन्हें स्वयंवर एक कराओ, मन का इच्छित तेल जो लावे उससे विवाह कराओ। बोलो महाकाल की जय। तो राजकुमारी के इच्छानुसार पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी गई कि जो कोई भी 500 मन तेल लेकर आएगा, यदि वो युवा हुआ तो उससे अथवा उसके घर में स्थित किसी युवा पुरुष से वे विवाह करेंगी, क्योंकि वो निश्चिंत हो जाना चाहती थी कि ये अवंतिका नगरी के सम्राट विक्रमादित्य ही हैं। क्योंकि निसंदेह इस कार्य को सम्राट विक्रमादित्य के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। तो देखते हैं कैसे सम्राट विक्रमादित्य राजकुमारी के लिए 500 मन तेल लेकर आते हैं। अब ये सूचना फैलते ही राज्य के सारे तेलियों में खलबली मच गई। तो ये बात विक्रमादित्य के आश्रयदाता से कैसे अछूती रह जाती। सुनो विक्रम, तुम्हें पता है नगर में क्या हलचल है?
मैं क्या जानू स्वामी, मैं बाहर कहाँ जा पाता हूँ। तो सुनो, इस राज्य की राजकुमारी स्वयंवर रच रही है और उसने ये शर्त रखी है कि जो कोई भी एक दिन में उसे 500 मन तेल लाकर देगा वो उसी से विवाह करेगी। नगर के सारे तेली उस विचित्र शर्त को सुनकर परेशान है। ये तो बहुत ही आसान शर्त है स्वामी, आप तो केवल राजकुमारी से हमारी भेंट की व्यवस्था कीजिए। किंतु पुत्र, इस नगर के तो क्या, आसपास के 4 नगरों के भी सारे तेली मिलकर इतने तेल की आपूर्ति नहीं कर सकते। किंतु परंतु नहीं स्वामी, आप केवल विश्राम कीजिए और राजकुमारी से हमारी भेंट की व्यवस्था कीजिए बस। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। राजकुमारी से भेंट करा दो, बोलिया चिंता जान, बोलो महाकाल की जय। राजकुमारी से भेंट करा दो, बोलिया चिंता जान, बोला विक्रम तेली से तू मत हो अब परेशान। कैसे रखेगो आखिर विक्रम अपनो पिता को मान, कई सोचो विक्रम ने ई संकट को समाधान, बोलो महाकाल की जय। प्रणाम राजकुमारी। कहो वीर पुरुष, हमसे क्यों मिलना चाहते थे? आपसे विवाह करने हेतु। तो क्या तुम शर्त अनुसार 500 मन तेल लेकर आए हो? मैं प्रातः काल 500 मन तेल लेकर आऊंगा राजकुमारी, किंतु एक निवेदन है आपसे। निवेदन? कैसा निवेदन? निवेदन यह है राजकुमारी की 500 मन तेल संचित करने के लिए आप एक विशाल पात्र की व्यवस्था कीजिए। मैं जानती थी कि इस शर्त को केवल आप ही पूर्ण कर सकते हैं। मैं तो बस ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि आप ही महाराज विक्रमादित्य हैं। आपके दर्शन और आपके जैसा जीवन साथी पाकर मैं धन्य हुई। तो आपने हमें पहचान लिया राजकुमारी? हम तो बरसों से ही आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे महाराज। हमारे जन्म से ही ये सुनिश्चित हो गया था कि हमारा वरण आप ही करेंगे। तो आचार्य वराहमिहिर ने सत्य ही कहा था कि संपूर्ण जगत में आप जैसा कोई नहीं, 16 विद्याओं का जानकार और विलक्षण बुद्धि की स्वामी। Yeah.
हुई पूरी इच्छा दोनों बने दो तन और एक जान, बोलो महाकाल की जय। हुई पूरी इच्छा दोनों बने दो तन और एक जान, एक सांस और एक ही धड़कन, एक ही सांच की तान, एक सांच की ताने सुर, एक और एक ही ताल, होनी बई हो के रहे नहीं सके कोई टाल, बोलो महाकाल की जय। अपनी बुद्धि के बल पर सम्राट विक्रमादित्य ने राजकुमारी के हृदय में स्थान बना ही लिया था, और उसके बाद वही हुआ जिस उद्देश्य से राजकुमारी ने यह स्वयंवर रचा था, अर्थात दोनों का विवाह। विवाह के कुछ समय उपरांत ही सम्राट विक्रमादित्य राजकुमारी के साथ चीन के महाराज के सामने उज्जैनी नगर को जाने हेतु आज्ञा लेने पहुंचे। सम्राट विक्रमादित्य का एक उद्देश्य तो पूर्ण हो चुका था, किंतु उनका अंतिम उद्देश्य यानी जीवाग्नि और विप्लावक का अंत ही शेष था, किंतु वो भी कहां शांत बैठने वाले थे। विप्लावक और जीवाग्नि सही अवसर की प्रतीक्षा ही कर रहे थे, और सम्राट विक्रमादित्य और राजकुमारी के विवाह से बढ़कर और उचित अवसर कौन सा हो सकता था, इसलिए वो लोग भी आ पहुंचे चीन। जीवाग्नि और विप्लावक अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे? क्या वे सम्राट विक्रमादित्य का अंत कर पाएंगे? देखते हैं अपने अगले एवं अंतिम प्रकरण में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय सम्राट वीर विक्रमादित्य। गणनायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की काल, हर सिद्धि भैरव उपासक चकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की जय हो। मुक्त करता प्रजा दुख हरता प्रिय महाराज विक्रमादित्य की जय हो।